नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। आज हम लोग देखेंगे ब्रेन का स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अगेन, फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: सेरेब्रम, डाइनसेफेलोन एंड ऑल्फैक्ट्री लोब। फोर ब्रेन को हम लोग प्रोसेंसेफेलोन भी बोलते हैं। सो फर्स्ट पार्ट, सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इज मेड अप ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। दिस टू हेमिस्फीयर्स आर जॉइंड बाय अ फाइब्रस बैंड दैट इज कॉर्पस कैलोसम। सो आज हम लोग देखेंगे सेरेब्रम का स्ट्रक्चर। सो वन हेमिस्फीयर, और इसका हम लोग लेटरल व्यू देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। नाउ इसका हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं। वी हैव गॉट फोर लोब्स। सो सबसे पहले फ्रंट वाला जो पार्टीशन है, ये वाला पार्ट हो गया फ्रंटल लोब। नेक्स्ट वन, दिस वन इज पैराइटल लोब। अब हम लोग यहाँ पर एक पार्टीशन ड्रॉ करते हैं। सो इधर वाला पार्ट हो गया टेम्पोरल लोब। और ये वाला पार्ट हो गया ऑक्सीपिटल लोब। नाउ वी हैव गॉट थ्री सर्कसेस, वन टू एंड थ्री। सो फ्रंटल और पैराइटल लोब के जो बीच का जो सर्कस है, दिस वन इज सेंट्रल सर्कस। पेराइटल और ऑक्सीपिटल लोब के बीच का जो सर्कस है, दैट इज, इसको हम लोग बोलेंगे पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। एंड फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब के बीच का जो सर्कस है, दिस वन इज कॉल्ड लेटरल सर्कस। नाउ हम लोग देखेंगे किस किस लोब में कौन कौन से एरियाज प्रेजेंट हैं और उन एरियाज का फंक्शन क्या क्या है। सो सबसे पहले फ्रंट लोब से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रंटल लोब में यहाँ पर जो सेंट्रल सर्कस है, उससे पहले एक एरिया है, दैट इज प्री सेंट्रल एरिया। सेंट्रल सर्कस से पहले प्री सेंट्रल, सिंस ये पहले है सो प्री, तो प्री सेंट्रल एरिया। एंड प्री सेंट्रल एरिया से पहले एक एरिया है, दैट इज प्री मोटर एरिया। सिंस ये सेंट्रल सर्कस है, सो इससे पहले वाला प्री सेंट्रल हो गया, और प्री सेंट्रल एरिया को हम लोग मोटर एरिया भी बोलते हैं। सो इससे पहले वाला हो गया प्री मोटर एरिया। नाउ सेंट्रल सर्कस से बाद वाला पार्ट, ये जो एरिया है, ये होता है पोस्ट सेंट्रल एरिया। सो ये जो पोस्ट सेंट्रल एरिया है, ये पेराइटल लोब में प्रेजेंट है। पेराइटल लोब में एक और एरिया प्रेजेंट है, जस्ट एट द मार्जिन, यहां पर, एंड दिस वन इज गस्टेटरी एरिया, दैट इज रिलेटेड टू सेंसेशन ऑफ टेस्ट। अभी थोड़ी देर में हम लोग इसके फंक्शंस के भी देखेंगे।
नाउ फ्रंटल लोब में एक एरिया है यहाँ पर, दिस वन इज ब्रोकास एरिया। टेम्पोरल लोब में एक एरिया है जस्ट अपर पार्ट ऑफ टेम्पोरल, ये जो लेटरल सल्कस है यहाँ पर अपर पार्ट ऑफ द एट द अपर पार्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब एक एरिया है, दिस इज वर्निकेज एरिया। एंड देन टेम्पोरल लोब में एट द मिडल वी हैव गॉट वन एरिया, दिस इज ऑडिटरी एरिया। एंड एट द मार्जिन अगेन वी हैव वन एरिया, दिस इज ऑल्फैक्टरी एरिया। ऑक्सीपिटल लोब में एक ही एरिया है यहाँ पर एट द मिडल, एंड दिस एरिया इज विजुअल एरिया। अब हम लोग देखेंगे इन सभी एरियाज के फंक्शन क्या क्या है। सो वी हैव गॉट थ्री सर्कसेस, फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब आर सेपरेटेड बाय सेंट्रल सर्कस, एंड फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब आर सेपरेटेड बाय लेटरल सर्कस, एंड वन मोर पैराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब आर सेपरेटेड बाय पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। Now we have got many areas. First of all, we have visual area. This visual area is present in the occipital lobe and that helps to see and interpret the object. That is, object ka color kya hai, uska position kya hai. Next one is precentral area or motor area. This is present in the frontal lobe. This controls voluntary movement. Now next one is premotor area. This one is also present in the frontal lobe and this controls involuntary movement. Now यहाँ पर एक trick है, motor. Motor के पहले कुछ भी नहीं है. So this controls voluntary movement. Motor के पहले अगर हम लोग pre जोड़ दें तो voluntary के पहले भी हम लोग को in जोड़ना पड़ेगा. So ये याद रखने में help करेगा कि motor controls voluntary, just voluntary, and premotor controls involuntary movement. फोर्थ वन इज ब्रोकास एरिया और मोटर स्पीच एरिया। जब भी हम लोग बोलते हैं तो जो भी हमारे लिप्स के जो मूवमेंट होते हैं, लैरिंग्स के मूवमेंट होते हैं, टंग के मूवमेंट होते हैं, दैट इज कंसर्न विद दिस एरिया। दिस हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ, दिस इज कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ टंग, लिप्स, लैरिंग्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट वन इज पोस्ट सेंट्रल एरिया, दिस इज सेंसरी एरिया। जो भी फ्रंटल लोब है, दिस इज कंसर्न विद द मोटर फंक्शंस एंड मोटर एरिया, जो भी मूवमेंट से रिलेटेड है। एंड दिस पैराइटल लोब इज कंसर्न विद द सेंसरी पार्ट, सेंसरी एरिया। सो पोस्ट सेंट्रल एरिया, जो सेंट्रल सर्कस के बाद वाला एरिया है, पोस्ट सेंट्रल एरिया, ये पैराइटल लोब में प्रेजेंट है। दे रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम receptors like pain, touch and temperature. Next one is association area. ये जो association area है, that connects motor and sensory area of frontal and parietal lobe and they create an integration between them. Now gustatory area. This gustatory area is also present in the parietal lobe and it is also a sensory area and is concerned with the sensation of taste. Next one is eighth one, Wernicke's area. This is present in the upper part of temporal lobe, or if somewhere it is also written as just present in left cerebrum. So sensory speech area, Wernicke area or sensory speech area, that helps to understand the speech, that is comprehension of speech, and that is present in the upper part of temporal lobe. Now one most important thing is alcohol affects Wernicke's area. Firstly, it affects cerebrum, Wernicke's area,
and then secondly affects cerebellum. Cerebellum is concerned with the movement. So जब cerebrum affect होता है, firstly cerebrum affect होता है, that affects speech. तो जो भी अल्कोहल पिया हुआ है, जो भी ड्रंकार्ड है, उसका स्पीच कुछ समझ में नहीं आता है, लड़खड़ाया हुआ रहता है. सेकंड, इट अफेक्ट्स मूवमेंट. वो ठीक से चल नहीं पाता है, मूवमेंट पे उसका कंट्रोल नहीं होता है. सो नेक्स्ट वन इज ऑल्फैक्ट्री एरिया. दिस इज प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब एंड दैट इज कंसर्न विद द सेंसेशन ऑफ स्मेल. नाउ टेंथ वन, last one is auditory area and that is present in the temporal lobe and that is concerned with the hearing. So it has got two parts, vestibular and cochlear. Vestibular is related to body balance and cochlear is related to hearing. So this is all about structure of cerebrum